जशपुर जिले के कुनकुरी पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त कर एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। कितनी सफाई से एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए ठगी करने वाले आरोपी का सीसीटीवी एक्सक्लूसिव वीडियो। आपको बता दें कि कुनकुरी में जितने भी एटीएम मशीन है वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी एटीएम में कोई गार्ड नहीं रहता है, जिसके कारण पैसे निकालने वालों के पीछे से कोई भी चोर उस वक्त के बदमाश घुस जाते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। और इसमें आखिर किसकी लापरवाही है, जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया है कि प्रार्थी नवीन कुजू निवासी डीपा टोली थाना कुनकुरी से 17,500 रुपए, दूसरा प्रार्थी भूलेश्वर यादव निवासी चूल्हा पानी थाना कुनकुरी से 75,000 रुपए और साथ ही में अंशुमाला कुजूर ने थाना कुनकुरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि एटीएम में अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर पैसे निकालने का तरीका बताते हुए एटीएम को बदली कर जहां पर 97,500 रुपए की ठगी कर चुका है। रिपोर्ट के आधार पर थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए आरोपियों को अंबिकापुर से पुलिस टीम रवाना करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसमें सभी आरोपी बिहार नवादा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दीपक वर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ में? पैसा निकालने के लाए थी स्टेट बैंक के सामने, एटीएम में पैसा निकालने के लिए जस्ट घुसी, उसके बाद में मेरे पीछे में एक जेंट्स खड़ा था, फिर मेरा मतलब एटीएम में डाली, दो बार डाली तो पैसा मतलब नहीं निकला, फिर उसके बाद में मेरा मतलब मैं निकालने के लिए मैं पिन वगैरह दबा रही थी तो पीछे से मेरा झांक लिया और चोरी कर लिया। फिर एक मतलब एटीएम में दोबारा डाली तो मेरा एटीएम को टच किया, उसके बाद में पता नहीं कैसे एक्सचेंज किया, मेरे को पता ही नहीं चला। उसको अपने आप बोले उसको लो निकाल दो? नहीं निकाल, मैं निकालने के लिए उसको बोली ही नहीं, मैं बात तक नहीं करी, बस वो पिन नंबर डालो बोला तो मैं पिन नंबर मतलब वो दो अंक का नहीं डालना रहता उसको डाल रही थी बस, अपना वाला में, अपना वाला में। फिर उसको कैसे मिल गया? उसके बाद में वो मतलब दो बार मेरा एटीएम पैसे से किया, उसके बाद में नहीं वो मेरा एटीएम एक्सचेंज कर लिया। कितना पैसा मतलब निकल गया आपका? 97,000 था। कितना निकला उसमें? पूरा ले लिया। एक ही बार पूरा निकाल लिया? दूसरे एटीएम से जाके कैसे कैसे किया उसको तो नहीं पता मेरे को। आपको कैसे पता चला? मैसेज आया मेरा, मेरे को पता चला, मैं कुंती यहाँ से मैं निकल के मैं कुंती लाज में गई निकालने के लिए, तो वहाँ मेरा मैसेज आया तो मेरे को पता चला कि मेरा एटीएम एक्सचेंज हो चुका है। उसको नहीं देख पाया कौन था? मैं नहीं देखी, मतलब ध्यान में मैं जल्दी में थी ना तो मेरे को ध्यान में नहीं आया। अंदर में था वो जब आप निकाल रहे थे? मैं मतलब वो बाहर खड़ा था जब मैं घुसी, उसके बाद मेरे पीछे में आया वो। क्या बोला? वो कुछ नहीं बोला, बस देख रहा था खाली। फिर बाद में मतलब नहीं निकल रहा था पैसा तो फिर वो मेरे को मतलब बाप में उलझाए रखा मेरे को रख रहा था कि मतलब मेरे को मतलब ध्यान मेरा भटक जाए इस ऐसा, मतलब वो कुछ कुछ बातें ऐसे बोलने लगा, बात करने लगा। तो वो आपका एटीएम उसको दिया था क्या एक बार? नहीं दी थी, मैं खुद अपना हाथ से डाली थी तो वो मतलब टच किया मेरा एटीएम को मेरे आँख के सामने में, उसके बाद में कैसे एक्सचेंज किया मेरे को पता ही नहीं चला। 97,000 निकल गया था। क्या नाम है आपका, कहाँ से? अंशुमाला से। कहाँ रहते हैं? यहीं कुंकरी। आज का मामला है जी। 20-3-2022 को, उसके बाद 25-5-2022, 24-5-2022 को अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था कि पैसे निकालने का तरीका बताकर उनसे एटीएम कार्ड की बदली कर ली गई एवं 17,500 रुपये, 97,500 रुपये व 75,000 रुपये की ठगी की गई है। सीसीटीवी के माध्यम से हम लोगों के द्वारा उनका चित्र निकाला गया था, छायाचित्र एवं जो घटना में प्रयुक्त वाहन था उसके संबंध में जानकारी निकाली गई थी। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अंबिकापुर से 3 टीम जाकर 4 आरोपियों को नवादा बिहार से पकड़ कर लेके आई थी, जिनका नाम क्रमशः राहुल, निशांत एवं राजेश
व दीपक कुमार है। इन चारों के द्वारा अलग अलग जगहों में अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर के कई अलग अलग थानों में कई जगह पर ठगी किया गया है। इनसे स्वाइप मशीन, देशी कट्टा, मैगजीन राउंड, अलग अलग कई छः नग लगभग मोबाइल, अलग अलग कई एटीएम कार्ड, कई सोने के चेन, इस प्रकार की कई चीज़ें इनसे जब्ती की गई है। उक्त आरोपियों को दिनांक 25/7/2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है एवं जेल दाखिल कराया गया है।